पाक भारत कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान रेलवेज ने समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख कर दी। समझौता एक्सप्रेस ने आज सुबह 7 बजे लाहौर से भारत के लिए रवाना होना था। रेलवे हुकाम के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस की रवानगी का फैसला हालात बेहतर होने पर किया जाएगा, जबकि अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर 1 मार्च तक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अंदरूनों बैरून मुल्क जाने वाली 47 परवाजें मनसूख की गईं। अस्पताल में भी एमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ को चौकस रहने की हिदायत। हमसे उलझना नहीं आसान, अहले लाहौर यक जबान। शहर भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ रैलियां। इस्लामी जमीयत तलबा की मॉल रोड पर एक बड़ी रैली। क्रश इंडिया के नारों से फजा गूंजी। इस्तंबुल चौक से मस्जिद शोहदा तक हजारों अफराद की झलक। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की टोलिंटन मार्केट से जेल रोड तक रैली। हुब्बुल वतनी में सरशार सारे पाक फौज जिंदाबाद के नारे। गजुमत्ता में मजदा ट्रक एसोसिएशन पाक ट्रेडर्स अलायंस की रैली। समनाबाद में नौजवान चल पड़े, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ भी सबका पाक फौज से सहारे यकजहती। बुखला बरादरी भी हम आवास। जीपीओ चौक पर एहतजाजी रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। एक बार फिर अमन में पहल, पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। हमने कल इंतज़ार किया, आज एक्शन लिया। भारत को बताना था कि आप कार्रवाई कर सकते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन खदशा था कि भारत ज़रूर कार्रवाई करेगा। एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौन से खिताब। हम जिम्मेदार मुल्क और अम चाहते हैं, जंग किसी के मफाद में नहीं। भारत को बताना था कि हम कर सकते हैं। जवाबी कार्रवाई के बगैर कोई चारा नहीं था। पाक फजाइया ने जानी नुकसान भी बजाया और भारतीय तैयारे को भी गिराया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर। पाक फौज से सारे यकजहती, पंजाब बार कौंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। पंजाब भर के वकला पाक फौज के साथ इसहारे यकजहती करेंगे। पंजाब भर की बार एसोसिएशंस में आज जनरल हाउस इजलास तलब। वकला पाक फौज के साथ खड़े हैं पंजाब बार कौंसिल। केबल ऑपरेटर्स का इंडियन चैनल्स के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। भारत की बुजदिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। पाक फौज के साथ मुल्क दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहने का अज़्म। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 मार्च से शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। जराए के मुताबिक पेट्रोल 4.71 रुपये, हाई स्पीड डीजल 9.44 रुपये, मट्टी का तेल 8.06 रुपये और लाइट डीजल 5.12 रुपये की कीमतों में फी लीटर इजाफे की सिफारिश। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद। शेर व शायरी और मौसीकी के मुकाबले तलबा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर समां बांध दिया। जीतने वालों में इनामात भी तकसीम।